झांकियों से दर्शकों का मन मोह लिया। हनुमान जी की सुंदर झांकी ने सभी को मोहित कर लिया। बिसौली से हमारे संवाददाता शिवम वारछुड़े की रिपोर्ट। आपके यहाँ क्या कार्यक्रम है? सुंदरकांड का आयोजन। तो ये किस उपलक्ष्य में आपने कराया? आपा जी की एनिवर्सरी 25वीं। 25वीं एनिवर्सरी। आपका क्या नाम है? अनमोल नाम है आपका। आपके यहाँ इस प्रोग्राम में कितनी संख्या आई थी? 506। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंकज। पंकज गुप्ता। तो आप इस कार्यक्रम में, आपको ये कार्यक्रम कराने में कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा। आपके यहाँ सुंदरकांड हुआ था तो आपके यहाँ झांकियाँ भी निकली थी? झांकियाँ हनुमान जी की झांकी निकली थी। आंवला नगर के नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं एलोपैथिक जैसी समस्त दवाओं का वितरण चिकित्सीय जांच के साथ किया गया। चिकित्सा अधीक्षक राजेंद्र कुमार ने बताया कि यह आरोग्य स्वास्थ्य मेला प्रत्येक रविवार को लगाया जाएगा, जिसमें चिकित्सीय जांच एवं दवाओं का वितरण किया जाएगा। स्वास्थ्य मेले में काफी संख्या में मरीजों की उपस्थिति देखने को मिली, जिसमें चर्म रोग, खांसी, जुकाम, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया जैसी बीमारियों की निःशुल्क जांच एवं दवाइयां दी गई। कैंप में उपस्थित डॉक्टर राजेंद्र कुमार, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विकास, डॉक्टर इंद्रजीत एवं समस्त मेडिकल स्टाफ मौजूद रहे। बरेली से हमारे संवाददाता हैड लिख रिपोर्ट। आज स्वास्थ्य मेले में सर कितने मरीज आए? आज अभी तक लगभग 120 मरीज का रजिस्ट्रेशन हो चुका है इस मेले में, और विगत दो रविवार की भांति इस बार भी मेला ये हमारा सक्सेसफुल रहा। 120 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें कि अधिकतर चर्म रोगी हैं और लगभग 9 लोगों की जांच कराकर प्रयोगशाला में और दवाओं का वितरण किया गया है। इसमें श्वसन रोगी हुए हैं काफ़ी मात्रा में। सर आज मेला लगा है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। इसमें देखिए मेला जो है मुख्यमंत्री आरोग्य मेला है, जो कि आपके 2 तारीख से आपका स्टार्ट हुआ। प्रत्येक रविवार को सुबह 9:30 बजे से 2 बजे तक, और इसमें एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सभी तरह की जो है दवाइयाँ वितरण की जा रही हैं। उसके अनुसार जो है रोगियों का परीक्षण किया जा रहा है। लोग आयुर्वेद के लोग आ रहे हैं? जी हाँ, आयुर्वेद के बहुत अच्छे तरह से पेशेंट आ रहे हैं। अभी 26 पेशेंट अभी हम देख चुके हैं आज, और इसमें ज़्यादातर क्या नाम है, खांसी के पेशेंट हैं जिसको खांस रोग कहा जा रहा है, उदर विकार के पेशेंट हैं, और जो है ज़्यादातर जैसा कि थाना क्षेत्र में ज़्यादातर मरीज मैंने जो देखे हैं वो आपके चर्म रोग होते हैं, उनके उस तरह के मरीजों को ज़्यादातर। ये जो मुख्यमंत्री आरोग्य मेला शुरू हुआ है, ये हमारा 2 फरवरी से शुरू हुआ है, और ये फिलहाल तो मार्च तक की इसकी होती है, मार्च तक चलेगा। लेकिन अब ऐसा सुनने में आया है कि जो है ये 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। 2 साल तक लगातार ये हर रविवार को लगेगा। यहाँ पर मरीजों का इलाज होगा निःशुल्क, उनकी जाँच होंगी, गर्भवतियों की जाँच होगी, और आयुष्मान कार्ड बनेंगे। ये इससे जो है गरीब जनता को काफी लाभ होगा। बलिया में नव सृजित नगर पंचायत नगरा के कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने फीता काट कर किया। कार्यालय उद्घाटन के बाद समीप के जनता इंटर कॉलेज के मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक के प्रयास से नगरा के लोगों की 2.5 दशक पुरानी मांग पूरी हुई है, तथा प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नगरा को नगर पंचायत बनाकर यहां के लोगों के सपने को पूरा कर दिया है। यहां की अब यहां के लोगों को विकास के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। विपक्षी दलों पर करारा प्रहार करते हुए राजभर ने कहा कि आजादी के बाद केंद्र की सत्ता में आई सरकारें आजादी का पैमाना बदल दी, जिससे गरीबों का विकास थम सा गया। कार्यक्रमों को सफल बनाने में राजू सोनी, रामायण ठाकुर, गुड्डू पांडे, जय प्रकाश जायसवाल, शशि प्रकाश तिवारी आदि की भूमिका सराहनीय रही, और इस अवसर पर अताउल्लाह अधिशासी अधिकारी संजय कुमार राव, उप जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन आदि लोग मौजूद रहे। बलिया से हमारे संवाददाता धनंजय प्रसाद की रिपोर्ट।
के निर्माण जो भवन बना है इसका भी उद्घाटन हुआ। सर इस क्या बताएंगे सर? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं संजय कुमार राव, मैं शासी अधिकारी नगर पंचायत सिकंदरपुर है। यहाँ पर मैं अधिकार चूँकि नया बना इसके मुझे चार्ज दिया गया है जी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमको यहाँ पर प्रथम ये बनने का जी। सर देखा जाए तो आपका तो कार्यभार सर बढ़ गया, इसको किस तरह से निर्वहन करेंगे आप? कार्यभार तो बढ़ गया है लेकिन जिम्मेदारी दी गई है तो इसको अच्छे से निर्वहन करना है हमें जी। इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग क्योंकि नया इसलिए टाउन प्लान करना बहुत जरूरी है जी। और नियमित और गैर नियोजित तरीके से शहर का विकास जैसे अन्य जगहों पर देखा जा रहा है बहुत सुधार करने के बाद भी हो नहीं पा रहा है जी। तो हमारी प्राथमिकता है कि हम क्यों ना एक टाउन प्लानर प्रॉपरली कर लें जी, जिससे कोई भी कार्य प्लान बना कर किया जाए जिससे आने वाले फ्यूचर में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो जी। चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो या ड्रेनेज सिस्टम हो या फिर हम सड़क ले ले, नाली ले ले, बिजली पानी जो भी हो, मतलब एक प्रॉपर वे में उसको किया जाए। सर निर्मित भवन में क्या क्या व्यवस्थाएँ अभी लगाएंगे? अभी तो निर्मित भवन में हम लोग तत्काल अभी यहाँ पे हम लोग ग्राम पंचायत का अच्छा खासा भवन मिल गया है जी, जिसमें क्योंकि यहाँ पे एक लिपिक कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है तो वो कच्छ है, पीओ कच्छ है। अभी वर्तमान समय में जो भी मूलभूत चीज़ें जो करनी है उसको तुरंत तत्काल हम लोग शुरू कर देंगे जी। सर कार्यक्रम को चलाने के लिए मान लीजिए कि सिस्टम चलाने के लिए सर ग्रामीण स्तर से देखा जाए तो सहयोग की जरूरत पड़ती है लोगों को भी, फिर उस तरह से मैनेज किया जाए सर? बिना सहयोग के तो संभव नहीं है, इसके लिए कई चरणों में मीटिंग करनी है हम लोग को। सबसे पहले तो ये प्लान किया जाए कि व्यापारियों से मीटिंग कर लिया जाए जी, मीडिया बंधु से भी मीटिंग होगा जी, यहाँ की समस्याओं से हम लोग अवगत होंगे जी, और फिर समस्याओं को देखते हुए हम लोग उस पर देखा जाए। सर सर सफाई का जो बगल में चुकी नाले ना है सर और मच्छर ज़्यादा सर वो दिख रहा है, तो आम जनता की कह रही थी कि सर सफाई का विशेष ज़्यादा सरकार को उसका दी इस पर क्या कहें सर? ये तो नगर पंचायत के प्राथमिक कार्यों में से है जी, क्योंकि यहाँ बगल में देख रहे हैं अभी एक नहर गया हुआ है, अभी यहाँ गंदगी तो दिख रही है लेकिन हम लोग प्राथमिकता है कि यहाँ तत्काल वृक्षारोपण किया जाए जी, जो भी पॉलीथीन दिख रहे हैं उसको निकाल के बाहर किया जाए जी, और एक जनता को सबसे पहले जागरूक करना जरूरी है जी। सर चूँकि आप यहाँ अधिकारी सर हैं तो यहाँ जनता से सर अपील करना क्या चाहेंगे सर? जनता से हमारी हम अपील है कि जैसे कि अभी सरकार की प्राथमिकता है कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध, क्योंकि एक बड़ा प्रदूषण के कारण प्लास्टिक बना हुआ है जी। मैं चाहूँगा कि हाँ जोर कौन से अपील है कि ये लोग प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। साथ ही सबसे बड़ी समस्या है कि कूड़ा जो अन्य कहीं भी फेंक देते हैं, अब हमारा सिस्टम डोर टू डोर कलेक्शन कराने का है जी, तो ऐसे वाहनों को लिया जा रहा है जो कि लिया जाएगा जो सीधे जनता के घर जाएंगी और उनको सीधे गाड़ी में कचड़े पर डालेंगे, जो कहीं भी फेंकते हैं वो गंदगी चारों तरफ फैलती है। इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए क्योंकि हमारा सिस्टम बनना है जहाँ वैज्ञानिक तरीके से कूड़े का निस्तारण होगा, गीले कचरे को हम लोग कंपोस्ट बनाएंगे, सूखे को हम लोग रिसाइकिल करना है, तो इस चीज़ों को प्रॉपर ध्यान में रखते हुए सॉलिड वेस्ट पर विशेष कार्य करना है हम लोग। धन्यवाद सर। देखिए समस्त नगरवासियों को और विधानसभा बेलथरा रोड के सभी लोगों को और जनपद बलिया को भी मैं नगरा नगर पंचायत के इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि नगरा का सर्वांगीण विकास आने वाले कम समय में होगा और यहां की जो बुनियादी समस्याएं हैं वो भी दूर होंगी। जैसे बड़े महानगरों में शहरों में जो कॉलोनियां होती हैं और वहां रहने वाले लोगों को जो सुख सुविधा मिलती है वो सभी सुख सुविधा यहाँ के नगरवासियों को भी मिलेगी। तो इसके लिए नगर पंचायत क्या क्या व्यवस्था करेगी? इस नगर पंचायत पहली बार नगर पंचायत हो रही, शासन से सारी गाइडलाइनें आ रही हैं, एक मानक निर्धारित किया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग सड़क बिजली शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देने वाले हैं, तमाम कार्य योजनाएं आ रही हैं उस पर काम हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
उत्तर प्रदेश बिजनौर के थाना क्षेत्र मंडावली भागुवाला में 14 तारीख से 17 तारीख तक बाजपुर रामपुर वालों की ओर से कांवरियों की सेवा के लिए एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यह भंडारा करीब 20 वर्षों से हर शिवरात्रि पर करते हैं। बिजनौर से हमारे संवाददाता कुलदीप त्यागी की रिपोर्ट। आइए भोला आइए, बाबा भोलेनाथ का भंडारा है, प्रसाद लेकर ही आगे बढ़े भोला। हरिद्वार से आने वाले सभी कांवरी भाइयों से निवेदन है, कृपया भंडारे का प्रसाद लेकर ही आगे बढ़े, बाबा भोलेनाथ का भंडारा है। आप ये बताएं कि इस समय आप भंडारा कर रहे हैं, कब से यहाँ कुछ चलाते हैं? ये हम भंडारा पिछले 35 वर्ष से कर रहे हैं। 35 साल तो ये 36वां भंडारा है। 36वां पहले ये 10-15 साल होता था भागुवाला स्कूल में। अच्छा, स्कूल में जनता जूनियर हाई स्कूल। जनता जूनियर हाई स्कूल भागुवाला, उसके बाद यहाँ हो रहा है। ये भोले की अति कृपा है जो निरंतर ये भंडारा चल रहा है। बाजपुर से आकर हम यहाँ पे भंडारा करते हैं 72 घंटे के लिए। आप अपना नाम बताएं। सत्यभूषण सिंगला। क्या व्यवसाय करते हैं? व्यवसाय क्या करते हैं? हमारे भट्टे वगैरह हैं, खाद की दुकान है। अच्छा अच्छा, एग्रीकल्चर। तो यानी आपस में मिलकर ही करते हैं? मिलकर, सब भाई लोग ये सब मिलकर करते हैं जी। आप परिचय बताएं अपना। मेरा नाम कृष्ण कुमार गुप्ता है जी। बाजपुर से सिंह साहब के साथ ही आ रहे हैं लगातार। अच्छा, शुरू से अब तक। तो कब आए हैं यहाँ पर आप? हम 14-13 तारीख को आ गए थे। सारी व्यवस्था की यहाँ पर, ईंट बजरी सब पड़ा हुआ था, वो सब साफ कराया। यहाँ के लोगों ने भी बड़ा सहयोग किया है। प्रशासन वगैरह किस तरीके, कोई ऐसा तो नहीं लगा कि आपको? प्रशासन से अनुमति लेते हैं। अच्छा अच्छा, किसी दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत जी। आप अपना परिचय बताएं। मैं विनोद कुमार बंसल बाजपुर से हूँ। मैं अपने भाई सत्यभूषण सिंगला जी के साथ यहाँ पिछले 34-35 वर्ष से आ रहा हूँ। और ये कांवरियों के लिए जो भंडारा लगता है, ये उनकी सेवा के लिए है। और ये बाजपुर के हम सभी लोग मिल करके इस भंडारे का आयोजन करते हैं। और ये भंडारा भगवान करे ऐसे ही आगे चलता रहे। चलिए धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आप दवाइयों की व्यवस्था भी की है, क्या डॉक्टरों की किसी व्यवस्था? ये निरंतर चलती है जी, जब से भंडारा लगा है तो हमारे ये भी सब निःशुल्क, खाना रहना सब कुछ निःशुल्क है। हम उससे आगे यही प्रार्थना करते हैं कि निरंतर चलता रहे। चलिए, भी हमारे, मैं आपको एक चीज और बता दूँ जी, बता दीजिए। हमारे अलावा हमारी जो दूसरी पीढ़ी है जिन्होंने ये भंडारा शुरू किया था, श्री यशपाल गुप्ता जी, उनके सुपुत्र श्री बिंदु मोदी जी यहाँ पर हैं और ये लगातार इसको चला रहे हैं साथ जी। बहुत अच्छी, हमारे हमारे पिताजी ने और हमारे चाचा लोगों ने शुरू किया था जी। अब हमारा भी इससे उतना ही जुड़ाव है जितना हमारे पिताजी का था। उसी प्रकार से भोलों की सेवा यहाँ पर की जाती है और यही आशा है कि आगे ये हमारा निरंतर ऐसे ही चलता रहे और हमारा प्रयास जो भी है इसमें भोले की कृपा सब कांवरियों पे रहे और सफल रहे। तो इसी उपलक्ष में मैं भी कहना चाहूँगा, जय भोले की, जय भोले की।
दरवाजे पे हमने जो है लिखा हुआ था पेंटर से लिखवा दिया था लगभग 20 साल से चल रहा है। उसने वो सारा रात में जो है काट दिया है या दूसरा रख कर दिया और साल हो गया हमारा ताला मुझे आते मतलब 20 साल हो गए। हाँ जी मैं और कोई तो करेगा नहीं काम ये हम सबसे बड़े जो हमारे कार्यकर्ता सबसे बड़े वैसे कोई होली का भंडार है तो अपने पास ही अच्छा मौका है अगर वो ये कार्रवाई करते चल रहा है अनंत भक्त यहाँ पे ठीक है तो मुझे बता रहा है होली का भंडार मुझे या किसी पड़ोसी ने फोन किया आनंद महसूस कर रहे हैं अगर वो आनंद महसूस कर रहे हैं आनंद महसूस कर रहे हैं हमारे सब ठीक हैं। बम बम महादेव नहाने की रहने की पूरी व्यवस्था रहती है शासन से किसी चीज की कोई दिक्कत तो नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं कोई असुविधा तो नहीं 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 कोई सब बढ़िया शासन साथ देता है हमारा पानी की बहुत बढ़िया सुविधा है सब पर लगा हुआ सब बहुत बढ़िया चलिए धन्यवाद बाबा जी। Yes!
समस्त गांव के सहयोग से भंडारे का आयोजन गवर्नमेंट कॉलेज जीरे में एनएसएस 7 रोजा कैंप की समाप्ति हुई, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर पवित्र सिंह ने बताया कि यह कैंप सरकार के हदायता के मुताबिक लगाया गया और इसमें 100 बच्चों ने भाग लिया। यह कैंप 7 दिन चला और इस कैंप की समाप्ति बच्चों के रंगारंग प्रोग्राम के साथ की गई। इस मौके पर कॉलेज के इंचार्ज प्रोफेसर सुरेंद्र पाल सिंह, प्रोफेसर पवित्र सिंह, प्रोफेसर कुलवंत सिंह, प्रोफेसर सतविंदर सिंह, प्रोफेसर पूनम, प्रोफेसर सतविंदर पाल सिंह, वेद प्रकाश, जसप्रीत सिंह आदि लोग हाजिर रहे। पंजाब से हमारे संवाददाता हरजीत सिंह की रिपोर्ट। अज सरकार दे हदायतां दे अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कॉलेज जिले विच एनएसएस दा कैंप लग्या, जिहदा अज समाप्ति हो चुकी है। जानते हैं इस कैंप बारे सर, जिहड़ा अज गवर्नमेंट कॉलेज कैंप लगा उस बारे दसो कि यह कैंप किन्ने दिनां दा जी, और जिहड़ा सरकार ने यह हदायतां दित्तियां वा वह कॉलेज दे विच किन्ने बच्चों नूं दित्तियां जी, जिहड़ा मंजूरी दित्ती है। देखो जी, पिछले 20 सालों तो यह कैंप बंद सीगा। पिछले 4-5 सालों तो अं निरंतर कोशिश करते रहे भी विद्यार्थियों एन एस एस के कैंप की जी सहूलत दी जाए, ता जो वो सर्टिफिकेट लैके आने वाले अपने भविख के फायदा लै सकन, ते नाल ही विद्यक खेत्र ते अपने यूथ फेस्टिवल दी एक्टिविटीज़ दे नाल नाल नैतिक सिक्ख्या बारे भी बच्चों को कुछ पता लगे, कौमी सेवा योजना आले दुआले की सफाई का किस तरह ख्याल रखना वो इस कैंप द्वारा ही पता लग सकता है। फिर साढ़े पिछले 5-6 साल की मेहनत को बूर पिया, तो सानू इस साल ये 20 साल के बाद तकरीबन कैंप मिले 7 रोजा कैंप, जिद 100 के करीब विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिद 50 के करीब लड़कियां तो 50 के करीब लड़के से। जिहड़ा इत्थे बच्चों ने खाने लिए जो भी दिते सरकार दिंदी है वो तुसीं किस ढंग नाल बच्चों ने खाना करते हैं जां वो कम किस ढंग नाल करते रहे? सुबह 9 बजे कैंप स्टार्ट हो जाता सी, उत्थे आउंदिया सार बच्चों तो राष्ट्रीय गीत गाउण तो बाद बच्चे काम तो अपने तो लग जाते, फिर एक घंटे की ब्रेक के बाद उन्होंने चाह दी जाती सी, फिर दोबारा फिर अपने शड्यूल उस तरह काम चलता सी। बाद विच लंच ब्रेक के खाना दिता जाता ही, तो उस तो बाद स्वीट डिश या फ्रूट वगैरह बच्चों को देंदे रहे। सो जिहड़ा एन एस एस का कैंप आ इहदे लई नौजवान पीढ़ी नू अगे वधण लई बहुत ही प्रेरणा करता, ताकि ये जिहड़ा बच्चे आ वह बहुत वधिया अपने एक तो सफाई दे लई अगे आ सकता, दूसरा बच्चे नू ये सर्टिफिकेट आ जिहड़े हैगे आ आउण वाले समें च ये बहुत ज़्यादा उन्हां दी जॉब दे विच भूमिका अहम भूमिका अदा करदे आ। हरजीत सिंह सरेट दे नाल गुरलाल सिंह बरोला दी रिपोर्ट। इत्मीनान होवे फिदा सब हुंदे तू निसार हो जा, ओनू पता लगे तां गुमान होवे, दिलाहार ते सही अपवार ते सही, दिलाहार ते सही अपवार ते सही, इत्थे हारियां दी उच्ची शान हो। मेरे ज्यादा आने एन एस एस मेरी सीट
ਉਧਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਐਸੀ ਇਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਵੇਖੀ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਆਏ ਤੇ ਰਸੀਦ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਦੀ ਗਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਈਦ ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੀ ਆਸਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਹਿਰਾ ਛੱਡ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾ ਨਾ 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 ਵੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਹਿਰਾ ਛੱਡ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹੋ ਲੁਤਫ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੱਸੀਏ ਜੀ ਕਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਖੈਰ ਮੰਗੀਏ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੇ ਸਮਾਚਾਰ ਆ ਗਏ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਲਈ ਬਦਰੀ ਫਾਸ਼ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਸਾਥ ਧੰਨਵਾਦ।